इतना कॉन्फिडेंस रखिए। जैसे कहते हैं ना कि हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। इतना भरोसा अपने ऊपर रखिए। सो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू अनदर ब्लॉग। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 7 और अभी जा रहा हूँ इन सब का दूध निकालने, जो कि ये सब खानी पानी अपना खाकर खड़ी हो चुकी है, एकदम पेट भर चुका है। तो इन सब का दूध निकालते हैं। अभी कह रही खाना दे दिया, चलो दूध निकालो। पूरा खा चुके हैं मस्त एकदम। इसका सिंग बहुत बड़ा बड़ा है और बहुत ख़तरनाक है, लेकिन इसमें एक अच्छी बात है कि मारती नहीं है किसी को। इसको जाए जैसे जाए जो कर दो, इसको मारो या कुछ करो, लेकिन मारती नहीं है। हालांकि मैं भी नहीं मारता हूँ। बाकी इसमें एक सिंग है जो लास्ट गाय है, उसमें एक सिंग है, बाकी किसी में सिंग नहीं है। उसमें तो छोटा छोटा है बाकी, लेकिन कोई मारती नहीं गाय, ये अच्छी बात है मेरे लिए। का दूध निकाल लिए हैं और ये रहा दूध, जो कि बाल्टी में भर दिए हैं। और बाकी इन सबको चलते हैं, थोड़ा अलगा देते हैं। उसको पहले से ही अलगा कर रखे थे क्योंकि वो लड़ जाती है। और बाकी क्या करते हैं, उसको सानी होने देना पड़ता है, तो आपको पता ही, तो उसको सानी दे देते हैं। फिर उसके बाद नीचे का खड़पा देंगे। उसको अलग अलग अलगा दिए और उस बच्चे को सानी भी दे दिए, और वो मेरे को देख रही है कि मेरा बुला रही है, वीडियो आकर बनाओ। तो बाकी अब देखते हैं हम क्या करते हैं। अभी तो सुबह के बज चुके हैं 8, आज लेट भी हो गया है, लेकिन टाइम जरूर दिए थे। ये सब थोड़ा काम करने में लेट हो गया है, लेकिन दूध में लेट नहीं हुआ है। मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ घूमने, मैं हर ब्लॉग में कहता हूँ, तो मैं यही सब का ब्लॉग बना रहा हूँ, तो और यही सब का बनाता रहूँगा। होप कि आपको पसंद आ रहा होगा। आजकल सोशल मीडिया पे ना कोई अपनी सच्चाई नहीं दिखाता है, सब हाई फाई दिखाते हैं, लेकिन हम जो रियल है वही दिखा रहे हैं। तो अदिति अभी सोई है, इसको उठाते हैं। ये उठ चुकी है, लेकिन अभी नाटक करिए कि ऐसा लग रहा है नींद में है, तो इसको सुला देते हैं। तो ये सब ये खा रही है, और गोबर फेंकना बाकी, जो कि हम नहीं फेंकेंगे, मम्मी फेंकेगी। फिर फेंकने के बाद खड़पा देंगे, गाय को धोएंगे। और सुबह का मौसम कुछ इस तरह है, बाहर एकदम धूप निकली हुई है तेज। फेंक दी मम्मी, अब मेरा काम आ चुका है, मतलब खड़पा देने और गायों को धोना। तो पाइप ये रहा, पाइप लेते हैं और उसके बाद चलते हैं धोते हैं। बाकी जो ये काम है ना भैया, डेली का काम है। आप लोग भी बोर हो जाते होंगे, क्या ही एक ही काम डेली करता है। तो भाई मैं यही काम करता हूँ, तो मेरे को यही कंटेंट लगता है, तो यही बना देता हूँ। तो ये पानी शुरू हो गया, अब चलते हैं पटाखे इसको धोते हैं। इन दोनों में धोने में मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन टाइम कब लगता है, तब ये सबका काम पूरा करने में, मतलब सुबह उठो सानी दो, फिर इन सबका दूध निकालो, फिर इन सबका गोबर फेंको, फिर उसके बाद इन सबको धो। सुबह 8 बजे तक यही सब करना पड़ता है, 4 बजे उठो और यही सब करो। सही है, घर का काम है तो करने में कैसी शर्म। और वैसे भी किसी महापुरुष ने कहा है कि लास्ट शर्म के चक्कर में रहोगे तो खाने के वांदे पड़ जाएंगे। कौन आ चुका है मेरा हेल्प करने के लिए? मिस्टर अदिति यादव। हाय हाय, ये काम कर दीजिए।
इन सब का खड़ापा और गायों को धो दिए। अब देखते हैं शाम में क्या करते हैं। अभी तो सुबह के बज चुके हैं 8:30 और अभी फिलहाल इन सब का काम हो चुका है ख़त्म। अब आएगा शाम में, तब तक देखते हैं 4-5 घंटा क्या करते हैं क्या नहीं। तो चलते हैं घर में। तो अभी मैं और वीरेंद्र जा रहे हैं BSNL ऑफिस, कुछ काम है हम लोग का, डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड जो है अपडेट करवाना है। तो मेरे को मेरा डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवाना है जो कि रिजल्ट से सेम करवाना है, और बाकी उसको अपना नंबर लिंक करवाना है और फिंगर ऐड करवाना है। तो अभी चलते हैं BSNL ऑफिस, अभी वीरेंद्र आएगा उसके साथ जाएंगे। तो मैं और वीरेंद्र निकल चुके हैं BSNL ऑफिस के लिए और हम लोग फटाक से पहुंचते हैं पहले BSNL ऑफिस। तो ये हम लोग का घर का रास्ता है और अभी दोबारा काम लग चुका है रास्ते पे, तो हम लोग चलते हैं सीधे BSNL ऑफिस। और ये इतना जाम लगा है, अभी पानिया है हम लोग और पानिया में इतना जाम लगा है ना कि भाई सब लगता है 1-2 घंटा लग जाएगा एग्जाम में, लेकिन हम लोग शॉर्टकट लेकर आ चुके हैं BSNL ऑफिस जो कि अभी ओपन नहीं हुआ है, 10 बजे ओपन होगा। अभी 9:30 बज रहे हैं तो हम लोग वेट कर रहे हैं। अभी मैं आ चुका हूँ BSNL ऑफिस अपने घर, और वीरेंद्र जो मेरे साथ गया था लड़का ना, वो भी चला गया अपने घर। उसको मतलब कराना था क्या, आधार कार्ड में फोटो चेंज करवाना था, फिंगरप्रिंट और नंबर लिंक करवाना था। 10 और 12 पे दूसरा था, आधार पे दूसरा था, तो उसको मैच करवा कर चेंज करवाए हैं। तो अभी हम आ चुके हैं घर पे, गए थे सुबह 9:30 बजे लेकिन आए हैं 12 बजे, लगभग 2.5 घंटा लग गया हम लोग को वहाँ पर मतलब चेंज करवाने में BSNL ऑफिस में। मतलब हम लोग नहीं गए थे, बहुत लोग गए थे तो टाइम तो लगेगा ना। आराम करिए बैठ कर एकदम मस्त पंखे के हवा, पंखा का हवा लेते हुए, और बेस्ट एकदम। अब इन सबका काम आएगा शाम में। चुके हैं 4:30 और सानी देने में थोड़ा लेट हो चुका है 1/2 घंटा, और मैं ना सानी देने आ गया हूँ और मोबाइल घर में भूल कर आ गया हूँ, और अभी मैं छोटी बहन को बोला हूँ तो वो मतलब ब्लॉग बना रही है और हम सानी पानी दे रहे हैं, क्योंकि दो में दे दिया है तीसरे में दे रहे हैं। तो अभी उसको साइन लगाए, एक को, एक गाय को साइन लगा दिया, अभी बाकी सबको लगाना है, तो फटाक से लगाते हैं, नहीं तो और लेट होगा, लेट पे लुट हो जाएगा। सानी पानी कर दिया इन सबका और टाइम हो चुका है 5, और 1 घंटे में इन सबका दूध निकालेंगे। और ये सब अपने खाने पे टूट पड़ी हैं और ये पता नहीं क्यों नहीं खा रही है, बस सूंघ रही है, खा नहीं रही, जो कि खरी हुई सब ना है। और ये इसको तो मतलब अभी दिया नहीं क्योंकि नाक खाली नहीं है, बाकी ये सब खा रही हैं। तो आज की वीडियो में मैंने दिखा दिया कि हम सानी मैं ही देता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को लगता था कि सानी मैं नहीं देता हूँ, कोई और देता है। भाई मेरे जिम्मे काम है तो मैं ही नहीं करूँगा, और ये मेरा बार ऐसा लग रहा है कि क्या ही बताऊँ। सही है, तो अभी चल रहे हैं थोड़ा गाँव में घूमने, और ये सब तो मस्त एकदम खा रही है अपना, उन सबका 1 घंटा बाद काम आएगा वो भी दूध निकालने का। शाम के बज चुके हैं 6:30 और एक गाय का दूध निकाल लिया हूँ, अभी दूसरी गाय का दूध निकालने जा रहा हूँ, और अभी 2 गाय बची हैं। तो अंधेरा हो चुका है इसलिए वीडियो क्वालिटी थोड़ा ख़राब हो चुका है, तो इसको इग्नोर करिएगा, और बाकी खा ही रही है। ये जो कि गिर गाय की नस्ल की गाय है, मतलब नस्ल की नहीं, गिर गाय ही है, गिर गाय का बच्चा मतलब। गायों का दूध निकाल लिया है और सबको अलग अलग कर दिया, बाकी इधर जो है सुबह का काम रहता है, जो मतलब जैसे गोबर बहाना, और मतलब गोबर बाकी सब फेंका गया है थोड़ा बहुत है, तो उसको मम्मी बोले कि बहा दा, और उसके बाद नीचे खड़प्पा दो ना। और गाय को तो सुबह में देंगे क्योंकि शाम में नहीं देते हैं। बाकी ये पानी शुरू हो चुका है तो पहले इन सब का धो लेते हैं, फिर उसके बाद करते हैं ब्लॉग। तो इन सब का काम अब जाकर ख़त्म हो चुका है, शाम का भी नीचे देख सकते हैं एकदम चिक्कन हो चुका है, मतलब गोबर सुबह जो था वो सब बहा दिए, और इन सबको इन सब के नाद में भी पानी नहा दिए हैं सुबह के लिए, और ये इससे थोड़ा बहुत प्यार करती हुई मतलब सहलाती हुई। तो अब इस ब्लॉग को इसे भी करते हैं ख़त्म। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।